छत्तीसगढ़ से है, जहां पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कोरिया जिले के बैकुंठपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। बीते 5 दिनों में खड़गे का यह दूसरा छत्तीसगढ़ का दौरा है। इसके साथ ही वे कोरबा जिले में प्रचार प्रसार करेंगे। वहीं जनसभा में खड़गे ने कहा कि यह सिर्फ चुनाव नहीं, यह देश का भविष्य बदलने वाला चुनाव है। पहले चुनाव ऐसे नहीं होते थे। बीजेपी की सरकार और मोदी जी संविधान को बदलना चाहते हैं, बार बार राहुल गांधी का नाम लेते हैं। उनको कांग्रेस से डर लगता है। कांग्रेस गरीबों के लिए लड़ती है, बीजेपी अमीरों के लिए लड़ती है। बीजेपी गरीबों के लिए लड़ने वालों को सत्ता से दूर रखने के लिए कई प्रकार की कोशिशें कर रही है। खड़गे ने यह भी कहा कि चुनाव आते ही केंद्र सरकार की तमाम एजेंसियां कांग्रेस पर घात डालती है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं के ऊपर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की टीम छापा मारती है। यह सिर्फ कांग्रेस पर होता है, बीजेपी नेताओं पर क्यों नहीं होता? बीजेपी में तो कई अमीर नेता हैं। कांग्रेस पार्टी के ऊपर केंद्र सरकार की एजेंसियां घात डालती है, सीबीआई को बुलाती है, ईडी को बुलाती है, इनकम टैक्स को बुलाती है। किनके ऊपर? सिर्फ ना सिर्फ कांग्रेस के वर्कर्स, कांग्रेस के नेताओं पे, उनके घर पे ये सब घाट डालते हैं। मैं पूछता हूं, वही आप बीजेपी के लोगों के ऊपर नहीं कर रहे? बीजेपी में तो बहुत पैसे वाले लोग हैं, बीजेपी में तो बड़े बड़े व्यापारियां हैं, लेकिन वो सब छोड़ के आप कांग्रेस को एक सत्ता से दूर रखने के लिए आप ये काम कर रहे हैं। लेकिन ये होने वाली बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी ये कभी डरने वाले नहीं है। कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ खड़ी होगी।